नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और ये मेरा नया चैनल है। इसमें मैं AMI सेक्शन ए रिलेटेड जितना भी टॉपिक रहेगा, सेक्शन ए का चार सब्जेक्ट बेसिकली, जो फंडामेंटल ऑफ डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल साइंस, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेटिक्स, सोशियोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये जो चार सब्जेक्ट रहेगा, मैं एक से एक के बाद एक जो जितना भी सिलेबस में जितना भी टॉपिक रहेगा या फिर सिलेबस के बाहर में बाहर से जो क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और लास्ट में हम लोग देखेंगे लास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि एक नया चैनल है तो मुझे आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए, तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देना और अगर ये वीडियो आपको काम में आए तो थोड़ा सा लाइक कर देना, ठीक है, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो हम लोग आज स्टडी मटेरियल साइंस का थोड़ा सा पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल साइंस जो है आज थोड़ा सा शुरू करेंगे, तो पहले देख लेते हैं मटेरियल क्या होता है। मटेरियल देखिए, मटेरियल मतलब जो थोड़ा सा वॉल्यूम कंज्यूम करे और जिसका थोड़ा सा मास हो उसको हम मटेरियल बोला जाता है। जैसे कि पेन एक मटेरियल है, एक पेपर एक मटेरियल है, सब कुछ ही मटेरियल है। तो मटेरियल को हम लोग कुछ तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मेटल मेटल, उसके बाद आएगा सिरामिक, उसके बाद आता है कॉम्पोजिट, उसके बाद और एक आता है पॉलीमर। हम लोग मेटेरियल साइंस में सिर्फ ये चार चार जो भाग है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बाकी इसके अलावा जो है हम लोगों का सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं देखेंगे, ठीक है। मेटल जो है उसको हम दो तरफ भाग कर सकते हैं, एक है फेरस फेरस मेटल और एक है नॉन फेरस मेटल, ठीक है। फेरस मेटल में क्या होता है, फेरस मेटल मतलब जिसमें आयरन यानी Fe, जिस मेटल में ज़्यादातर जो कंपोनेंट रहता है जो आयरन का रहता है उसको हम फेरस मेटल बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया स्टेनलेस स्टील, स्टील और एक कार्बन स्टील, और भी कुछ तरह का होता है जैसे कि थिंक स्टील जो है, कास्ट आयरन जो है, ये स्टील फेरस मेटल में पड़ेंगे। फेरस मेटल जो है उसके अंतर्गत आएगा, और जिसमें आयरन का थोड़ा सा भी कुछ भाग नहीं है उसको हम बोलते हैं नॉन फेरस मेटल, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब हो गया नॉन फेरस मेटल, मतलब जिसमें आयरन जो है Fe एकदम ही नहीं रहता, एकदम ही नहीं रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन फेरस मटेरियल, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है सिरामिक। क्या होता है, ये बेसिकली नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल, और इसमें ज़्यादातर इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है उससे बनाया जाता है, इनऑर्गेनिक नॉन मेटल और इनऑर्गेनिक पार्ट्स जो है उससे बनाया जाता है। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया ब्रिक्स, मतलब ईट, ईट जो है ना, ब्रिक्स ब्रिक्स, और हो गया टाइल्स और हो गया ग्लास, ये जो है ये सिरामिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। ज़्यादातर ऑक्साइड और नाइट्रेट जो कंपाउंड है उससे सिरामिक कंपोनेंट बनता है, और इसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं दिखा जाता है, मतलब ये होता है अमोर्फस, अमोर्फस। ये अब ये एमोरफस क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, फिलहाल जो इसको देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद आता है कॉम्पोजिट मेटल, कॉम्पोजिट
मटेरियल, कॉम्पोजिट मटेरियल क्या होता है, दो या तीन, ज़्यादा दो या दो से अधिक जो मेटल और नॉन मेटल जो है उससे उसको मिक्स करके जो मटेरियल हम लोग बनाते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट मटेरियल। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया रेनफोर्स कंक्रीट। आपका हो गया फाइबर ग्लास। थोड़ा माफ कीजिए, वीडियो जो है वो थोड़ा सा पॉज हो गया था तो मुझको दिखाई नहीं दिया, मैं इधर लिख के चला गया। ठीक है, पॉलीमर क्या होता है हम वो देख लेंगे। पॉलीमर होता है मोनोमर जो है, मोनोमर का एक एक के बाद और एक मोनोमर ऐसे ऐसे ऐड होके 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 लंबा सा चेन क्रिएट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। पॉलीमर में ज़्यादातर क्रॉस लिंक पाया जाता है, क्रॉस लिंक पाया जाता है। अब क्रॉस लिंक क्या है वो हम लोग बाद में देख लेंगे। पॉलीमर का जो एग्जांपल है जैसे कि लाइलॉन, पॉलीथिलीन, पॉलीस्टीरीन, सॉरी पॉलिस्टार, टेफ्लॉन, ये जो है पॉलीमर का एग्जांपल है। और जो पॉलीमर हम मिलते हैं उसमें ज़्यादातर कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, कार्बन या फिर हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन, जिसके भी साथ है एक के बाद चेन की तरह लिंक करके करके एक लार्ज जो है चेन बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देख लेंगे मेटल में कितने तरह का डिफेक्ट होता है, हम लोग उस डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।